पब्लिक टीवी आपकी आवाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनपद में जनविश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपको याद है ना कि राम भक्तों पर गोली किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी ने चलवाई थी। ये हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार से नोटों के बोरे भरने के अलावा और कोई काम नहीं किया। विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब लड़कियों का बलात्कार होता था तो ये कौन कहता था कि लड़कों से गलती हो जाती है? ये सोच थी समाजवादियों की। अगर बहन बेटियों की सुरक्षा है तो वो भाजपा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में 700 दंगे हुए, लेकिन आज योगी सरकार में दंगाइयों की आंख उठाने की हिम्मत नहीं हो रही। जब मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया तो उनके पेट में मचलन हो रही थी। क्या मुस्लिम माताओं और बहनों को इस कुप्रथा से आजादी का हक नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश है, इनको इसका नाम ही नहीं मालूम। ये सिर्फ जिन्ना जिन्ना करते रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपको याद है जब सपा की सरकार थी तो बिजली कितनी आती थी? ये सपा वाले बिजली रानी को भी उठा ले गए थे। आज भाजपा की सरकार है तो बिजली रानी को लाने का काम किया। ये सपा वाले तो विकास ही नहीं कर सकते। बहन जी को तो अभी ठंड ही लग रही है। अरे चुनाव आ गया है बहन जी, थोड़ा बाहर भी आ जाओ। बुआ बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाएं तब भी मेरे भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने टिक नहीं पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सपा बसपा, ये बुआ बबुआ 15 साल राज किए, क्या हाल किए थे उत्तर प्रदेश का? लोग पलायन करने लगे थे, आज पलायन करने वाले पलायन कर गए। कहा कि मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब मांगती है कि आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? 700 से अधिक दंगे हुए। विश्वास यात्रा के साथ आया सर्वप्रथम मैं यहां पर विराजमान मां काली झारखंड में से और 24 घंटे शिवलिंग को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। विजय नगरी से नाम से पीतल नगरी की पहचान किसने वापिस दिलाई भैया बताओ? योगी जी जब मुख्यमंत्री बने एक जिला एक उत्पाद में हमने पीतल के बर्तनों को जोड़कर इसको फिर से पीतल नगरी बनाने का काम किया है। लोग पलायन होने लगे थे, बाबा उपेंद्र जी को
करने वाले प्रयास कर रहे हैं, मैं पागल रहने की जरूरत भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार की नौकर से मेरे घर में कोई काम नहीं किया, विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिस्सा मानती है, आप बताइए आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते, मैं दे देता हूं। अखिलेश बाबू के शासन में 700 दंगे हुए थे। ये मेरा पश्चिम उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह का प्रदेश पूरा जन भान कर रख दिया था। और आज योगी जी की सरकार बनी है, पैदा करने वालों की हिम्मत नहीं है, आग उठाकर चोट पीटने की मित्रों हिम्मत नहीं। ये सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम किए मेरे जनपद में मोदी जी के हाथों से ध्यानचंद देव विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले, दिल्ली गाजियाबाद के कॉरिडोर काम चालू हो गया है, बागपत में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न पैरेलल एक्सप्रेस वे का काम चालू हो गया है, गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद बागपत के सभी जनपद इसके साथ जुड़ेंगे। सामने में 250 करोड़ से एक बटालियन लग रही है, जिसकी लग रही है बताऊ, पीएससी की बटालियन लग रही है, पीएससी की आने के बाद होता है क्या? होता है क्या? रोड सवाल होता है क्या? अब पीएससी को लखनऊ से नहीं आना पड़ेगा, कोई भी कितर कितर करेगा, पीएससी आधे घंटे में पहुंच जाएगी। हमें रेल परियोजना का मेट्रो का क्रियान्वयन की कार्यवाही चालू है, सहारनपुर रेल के एयरपोर्ट का विकास करे, सहारनपुर अलीगढ़ आगरा मुरादाबाद इस स्मार्ट सिटी में समाहित करे, यमुना एक्सप्रेस वे बन रहा है, विकास हो रहा, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ रहे हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ बबुआ और कांग्रेस तीनों ही इकट्ठा हो जाए, ये बुआ बबुआ और बहन मैं किसको कह रहा हूं मालूम है? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ बबुआ और बहन तीनों ही इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने काम नहीं करने वाली है। मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान किया है, मोदी जी ने आतंकवाद पे काबू किया है, ये पाकिस्तान से आतंकवाद के आगे थे, आगे तो दिल्ली वाले पूछ नहीं करते थे, वो भूले नहीं करते थे, पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार मोदी जी की सरकार की भाइयों पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक, एक नई प्रयोगशाला बनाई थी, नए प्रकार की प्रयोगशाला, प्रयोगशाला को अंग्रेजी में टूंको सर्वे लैब देते हैं, लैब का स्पेलिंग होता है LAB, इन्होंने एल से पूरे प्रदेश को लूट कर ये इतने वाले जैसे पूरे भरने का काम किया था, पूरे भरने का आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना अजम खान जी को, जानते हो नेता को, कितनी लोगों की बचाओ गई, कितनी लोगों की 1,000 हेक्टेयर भूमि, 1,000 हेक्टेयर भूमि हड़प कर
करनी थी, आज वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। उनको जल में भगवान कौन जाता है, कौन जाता है? वो अगर सीए बन गए तो वो जल में रहेंगे क्या, रहेंगे क्या, बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप वादे हो बाहर आए, आप वादे हो बाहर आए, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से भाजपा सरकार बनाने के लिए ही कभी जा रहा होगा। पश्चिम यूपी में पूरे क्षेत्र का प्रदेश अभी को तो गंगा का नाम ही मालूम नहीं है, जिन्ना 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 बोलते हैं। जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ पर गंगे का काम है, तलाब है, तब गंगा किसानों को हिस्सा नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 90% गन्ना किसानों का भुगतान किया, 1,48,000 करोड़ बकाया चुकाने का काम हमने किया। 20 गन्ना मिलों का विस्तारीकरण और आधुनिकरण करा, लगभग 476 मेट्रिक टन रेकॉर्ड चीनी का उत्पादन किया। यह सुगर की इंपोर्ट पर यूपी डालकर गन्ना किसानों को मूल्य दिए, इसकी चिंता की, इंजनों की पॉलिसी लाए, इसके भाव लाए, और आज गन्ना किसान इसके मूल्य को बरोबर पा रहा है। मित्रों, इलाहाबाद ने फिर से कार पीटर का ग्रुप बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुरादाबाद को आर्थिक गलियारे से जोड़ने का काम हो रहा है। 494 किलोमीटर दिल्ली लखनऊ आर्थिक गलियारे का विकास हो रहा है। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर बन रहा है, मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद में 6 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए। पहले मैं बताऊं तो मुझे गांव के लोग विशेष करके बताए बिजली कितनी आती थी, बताओ तो आती थी क्या? अब आती है नहीं आती है? आती है नहीं आती है? ये सपा वाले बिजली आने को भी कुछ गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली आने को वापिस लाने का काम किया। अब मैं आज अखिलेश जी को इतना पूछता हूं, अखिलेश जी, मोदी जी ने राम जन्मभूमि मंदिर बनाया, नींव डाली या नहीं डाली, बताओ भाई? मेरा जोर से वो डाली है या नहीं डाली? राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन पर बोले किसने चलाई थी? बोले किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई। बोले किसने चलाई थी? अब आपने 2014-19 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया। मैं आपको बताकर जाता हूं, अखिलेश बाबू की हिम्मत नहीं है रोकने की, रोक नहीं सकते। कुछ ही महीनों में गगन चुंबी राय गंगा का मंदिर बन गया, इसे कोई नहीं रोक सकता। और अखिलेश बाबू, आपका निजाम, निजाम का मतलब शासन होता है, निजाम का मतलब क्या था? पहले अपने प्रदेश की जनता को सच सच बताइए, उनके निजाम का मतलब है एनसे नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आप नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम कैसे था? क्या ये क्या, क्या योगी जी मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए?
जोड़ी में डालना पड़ेगी, उनको जोड़ी में डालना पड़ेगी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा था बड़ा तो हो गया, तो उन्होंने कहा लड़कों से गलतियां हो जाती है, माताओं की सुरक्षा, बहनों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का वजन है उत्तर प्रदेश की जनता को। किसी की भी हिम्मत नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, माताओं बहनों की छेड़खानी करता है तस्वीर, जो भारत माता का मुकुट मानी है वो तस्वीर भारत का अभी अंग होना है। ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं कर सकता, यूपी के विकास के रास्ते पर योगी जी के अलावे कोई ले जा नहीं सकता। मैं आपको अपील करने आया है, बहुत चुनाव गलती हुई जा रही हुई थी, बताओ आप लोगों से गलती हुई जा रही हुई थी। इस बार एकजुट होकर सभी का वोट प्रबल के निशान पर जाना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।